आज हम सोलर चार्ज कंट्रोलर कंपैरिजन किट के थ्रू PWM और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में कंपैरिजन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर कंपैरिजन किट है जिसमें दो चैनल्स हैं। पहला है PWM और दूसरा है MPPT। इन चैनल्स में चार डिविजन्स हैं। पहला है बैटरी वोल्टेज, फिर बैटरी करंट, सोलर वोल्टेज और सोलर करंट। जैसे आप देख सकते हैं, ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिसकी रीडिंग्स हम चैनल 1 पे देख सकते हैं, और ये हमारा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है और इसकी रीडिंग्स हम इस चैनल पे देख सकते हैं। जैसे आप सोलर चार्ज कंट्रोलर कंपैरिजन किट पे देख सकते हैं, हमने दोनों सोलर चार्ज कंट्रोलर्स को इक्वल सोलर वोल्टेज दे रखा है जो करंटली 16.8 वोल्ट है। अब हम PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर से कनेक्टेड बैटरी को ऑन करेंगे। आप सोलर चार्ज कंट्रोलर कंपैरिजन किट पे देख सकते हैं कि बैटरी वोल्टेज PWM का 13.4 वोल्ट है। अब हम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से कनेक्टेड बैटरी को ऑन करेंगे। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि 12.5 वोल्ट बैटरी वोल्टेज दिखाई दे रहा है। अब हम दोनों सोलर चार्ज कंट्रोलर्स के पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे। पहले हम PWM के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, PWM में 7.4 एम्पियर सोलर करंट जा रहा है और PWM 7.3 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब हम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, सोलर से मिलने वाला करंट 8 एम्पियर है और MPPT बैटरी को 10 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि MPPT सोलर करंट को बूस्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के कंपेरिजन में MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर से मिलने वाली पावर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है और बैटरीज को मैक्सिमम करंट से चार्ज करता है, जिससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है